हरदोई के मंगली पूर्वा स्थित डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से पधारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार भाई ने कहा कि भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी छात्रों के सर्वांगीण विकास संभव है। नैतिक शिक्षा के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की कमी ही व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सर्व समस्याओं का मूल कारण है। उन्होंने अपराध मुक्त समाज के लिए कहा कि अच्छे संस्कार जरूरी है, पर उन्होंने जोर दिया कि बच्चे कल के भावी समाज हैं। अगर कल के भावी समाज को बेहतर बनाना है तो स्कूलों के माध्यम से ही बच्चों को नैतिक शिक्षा के आधार से चरित्रवान भी बनाना बहुत आवश्यक है। प्रबंधक अखिलेश कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। श्री डाल सिंह मेमोरियल स्कूल में आए, आपने बच्चों को क्या सिखाया, क्या शिक्षा दी? वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई माउंट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। वैसे तो मैं भारत में लगभग 8-9 हज़ार स्कूलों में जाकर के बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया। वास्तव में आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को नैतिक शिक्षा देना जरूरी है, क्योंकि आज हम केवल उनको भौतिक शिक्षा पढ़ाते हैं, उनको नौकरी लगते हैं, यहाँ से जाते हैं, लेकिन समाज की परीक्षाओं में आजकल के युवा फेल होते जा रहे हैं। क्यों? हम केवल IQ डेवलप करते हैं। जिसकी IQ है उसके अंदर ईगो आता है, इसलिए IQ के साथ EQ इमोशनल, MQ मॉरल, SQ स्पिरिचुअल। अगर ये चार बातों को स्टूडेंट लाइफ में पक्का करेंगे वो समाज की परीक्षा में फेल पास होंगे। आज हम एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन का अर्थ मैंने बताया, एजुकेशन का अर्थ E फॉर एम्पावरमेंट, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर कैरेक्टर, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर, एक एक शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। तो इस अर्थ को मैंने बताया, साथ में आज के बच्चे बिगड़ने का चार कारण बताया, गलत संगत, सिनेमा, व्यसन, गलत खान पान और फैशन, इसे बचकर रहना, और सबसे अच्छा सहन शक्ति का गुण, क्योंकि आज के बच्चों में सहन शक्ति कम है, इसलिए सदा पॉजिटिव सोचेंगे, सहनशील बनेंगे, तो यही बच्चे आके भविष्य में अच्छे बनेंगे। तो मुझे भी अच्छा लगा इन बच्चों को भौतिक शिक्षा के साथ साथ यहाँ चरित्र पर भी ध्यान दिया जाता है। आज के